तो इंस्टॉल करने जा रहे हैं गिट को उबंटु पर, ठीक है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि पहले से इंस्टॉल तो नहीं है। गिट हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। यहाँ पर हाइफन वी काम नहीं करेगा, गिट बैश में करता है ना, लिनक्स पे नहीं कर रहा है। वही डिफरेंस है भाई, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से। अच्छा, पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैंने तो किया ही नहीं था, ये तो फ्रेश उबंटू है। क्यों? क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल आती है, ठीक है। मैक पर, लिनक्स पर गिट पहले से ही इंस्टॉल आती है। लेकिन किसी रीजन से अगर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है तो आप यूज करेंगे sudo apt install git, that's it, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फेडोरा पे हैं तो यहाँ पर dnf लिखेंगे, राइट। sudo dnf install git, यानी कि अपना पैकेज मैनेजर इंस्टॉल git, that's it। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टॉल करने जा रहे हैं गिट को विंडोज में। गूगल पर सर्च किया गिट SCM, पहले आ रहा था गिट SCM, ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज आ गया पहली, क्लिक करते हैं इस पे। 64 बिट 32 बिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। यस, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। गिट डिफॉल्ट एडिटर विम ही रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। लेट गिट डिसाइड, ये ब्रांचिंग का सीन है ना। अगर आपको गिट नहीं आता है तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 अगेन, नेक्स्ट नेक्स्ट, सब नेक्स्ट है, बेहतरीन, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, ठीक है। लॉन्च करते हैं गिट बैश को, हमें रिलीज नोट्स नहीं देखने हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको गिट चलाना होगा तो आप विंडोज में जाएंगे एंड सर्च करेंगे गिट बैश, ठीक है, बस। और यहाँ पे अगर आपको देखना है कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है तो आप लिखेंगे गिट -v, ठीक है। वर्जन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, गिट इंस्टॉल हो गया है।